सबसे पहले हम लोग ये जाने कि डाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन क्या है कि जो हमारा फूड होता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, और वह न्यूट्रिशन जो है सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में फॉर्म होता है। यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को टूटना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये टूटेंगे नहीं तो टूटने के बाद ये जो है सो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, और सिंपल मॉलिक्यूल्स में जब ये कन्वर्ट होता है तब हमारा बॉडी इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब ये डाइजेशन आवश्यक क्यों है? तो डाइजेशन के द्वारा जो है सो हमारा न्यूट्रिएंट जो है सो क्या होता है, टूटता है, और टूटने के बाद ही हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, और जब हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है देन द न्यूट्रिएंट वर्ड यूज्ड द बॉडी फॉर द एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। तो इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल हमारा शरीर जो है सो बॉडी को ग्रोथ कराने में, एनर्जी ऑपरेट करने में, और सेल को रिपेयर करने में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरिया जो होता है एक फिल्टर फीडर एनिमल्स है, यह पानी में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं, डायटम होता है, सूक्ष्म जीव होता है, या ऑर्गेनिक न्यूट्रोनिज्म होता है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े पानी में जो मिले हुए रहते हैं उसको वह पानी से छान कर अब भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इस भोजन को छानने में जो है जो फीडर लाइक स्ट्रक्चर इसका गिल होता है वह उसे सहायता करता है, क्योंकि गिल्स पर जो है श्वसन क्रिया करने के लिए पानी की जल धारा जो है सो बहुत अधिक मात्रा में हमेशा प्रवाहित होते रहती है, और वह गिल जो है सो उस भोजन उसके भोजन को पानी से छान कर सेपरेट करते रहते हैं। यूरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम माना जाता है, इसलिए कि इसमें दो ओपनिंग पाए जाते हैं, एक माउथ और दूसरा जो है एनस के रूप में ओपनिंग रहता है। यूरिया के डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है सो मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जो है सो एलिमेंट्री कनाल और दूसरा जो है सो इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। यदि हम इसके एलिमेंट्री कनाल अर्थात आहार नाल का बात करें तो इसका जो एलिमेंट्री कनाल होता है वह एक लंबी कुंडलित ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह देखने में होता है। यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वह विभिन्न भागों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका जो आहार नाल होता है उसको मेनली हम लोग पांच पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आहार नाल का पहला भाग जो होता है वह है माउथ, दूसरा भाग होता है इसका इसोफेगस, और तीसरा भाग है स्टोमक, और चौथा भाग है इंटेस्टाइन, और पांचवा भाग है इसका रेक्टम। यूरिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एलिमेंट्री कनाल और इसका जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड शामिल है उसको हम लोग डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ये जो है यूरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस यूरिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर जो ये दो पोजीशन है ये एंटीरियर एडैप्टर मसल है और ये इसका पोस्टीरियर एडैप्टर मसल है। तो इसका जो एलिमेंट्री कनाल जो शुरू होता है वह माउथ से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो माउथ जो है वह एंटीरियर एडैप्टर मसल्स के जस्ट नीचे है और इसके नीचे इसका फुट रहता है। तो ये यहाँ पर इसका एक माउथ है, माउथ के ठीक पीछे एक छोटा सा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। फिर इसोफेगस के बाद ये जो है इसका तीसरा जो पार्ट है स्टोमक है, और स्टोमक के बाद इसका इंटेस्टाइन है। ये जो इंटेस्टाइन है बहुत क्वाइड है, ये इंटेस्टाइन है, और यह इंटेस्टाइन जो है सो क्वाइड होते हुए इसके डोर्सल पार्ट से होते हुए ये पीछे तक आता है, जो कि पीछे में इसका पोस्टेरियर एडैप्टर मसल है। तो यहाँ पर जो है ये इंटेस्टाइन का पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इसका रेक्टम है, और रेक्टम के बाद इसका एनस है जो कि यहाँ पर एक्सपेरेंट साइफोन के पास में ये होता है। इसका जो माउथ होता है वह एक छोटा सा छिद्र होता है। तो ये जो छिद्र जो होता है एंटीरियर एडैप्टर मसल्स और फुट, इसके ऊपर में एंटीरियर एडैप्टर मसल्स है और नीचे में इसका फुट होता है, इस दोनों के बीच में यह स्थित होता है। फुट के माउथ के ऊपर और नीचे एक जोड़ी अंडाकार मस्कुलर सिलिएटेड लेबियल पैल्प पाए जाते हैं। तो ये जो लेबियल पैल्प होता है यह माउथ
ऊपर होता है और एक लेबियल पैल्प माउथ के नीचे होता है। ये दोनों लेबियल पैल्प जो है ये होंठ का निर्माण करते हैं। दोनों लेबियल पैल्प के आपस में मिलने से जो है बीच में एक दरार के जैसा बन जाता है, एक खांच के जैसा बन जाता है। ये जो दरार जो होता है खांच, ये जाकर जो है माउथ के में खुल जाता है। माउथ जो है एक छोटा सा छिद्र होता है। उसके बाद ये जो लेबियल पैल्प है, यह लेबियल पैल्प भोजन को पानी से छानने में भी सहायता करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनियो जो है एक फिल्टर फीडर एनिमल होता है, यह अपना भोजन पानी से छान कर ग्रहण करता है। यूनियो के माउथ में रेडुला नहीं पाया जाता है। माउथ के पीछे जो है एक छोटा सा डक्ट होता है, नली होती है, जिसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। तो ये जो इसोफेगस होता है यह थोड़ी चौड़ी होती है और इसका एक सिरा जो होता है वह माउथ में और दूसरा सिरा जो है इसके स्टोमक में खुलता है। इस ये जो इसोफेगस होता है, इसका वाल जो होता है वह मस्कुलर होता है और इसके सरफेस पर एपिथेलियम सेल पाए जाते हैं। ये सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड होने से ये फायदा होता है कि जब माउथ के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है तो सिलिएटेड होने के कारण या यहाँ से भोजन मूव कर स्टोमक में पहुंच जाता है। इसोफेगस के पीछे इसका स्टोमक होता है। तो इसका जो स्टोमक होता है वह फूला हुआ थैलानुमा संरचना होता है। यह स्टोमक जो होता है यह चारों तरफ से इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो लीवर होता है वह डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो है चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। इसके स्टोमक को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। इसका एक भाग जो होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम लोग डोर्सल पार्ट कहते हैं। इसके डोर्सल पार्ट में जो है इसका इसोफेगस आकर खुलता है। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं, उस डाइजेस्टिव ग्लैंड का दो डक्ट इसमें आकर खुलता है। ये दोनों डक्ट जो है यहाँ पर फोल्डेड होता है। इसके फोल्डेड होने के कारण यह जो है सॉर्टिंग करने का काम करता है, भोजन को जो है सो सॉर्टिंग करने का काम, छांटने का काम करता है। उसके अलावा इसका जो निचला वाला जो पार्ट होता है, स्टोमक का जो निचले वाला पार्ट है वह ट्यूब लाइक होता है, नली के समान होता है, इसलिए इसको जो है सो स्टाइल सैक कहा जाता है। इस पार्ट में जो है स्टाइल सैक में जो नीचे वाला पार्ट है इसमें एक जिलेटिनी छर्मनुमा संरचना देखने को मिलता है। ये जिलेटिनी छर्मनुमा संरचना है। इस छर्मनुमा संरचना को हम लोग क्रिस्टलाइन स्टाइल कहते हैं। ये जो छर्मनुमा संरचना होता है यह म्यूकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। यह म्यूकोप्रोटीन जो है इस स्टोमक के वाल से सेक्रेशन होता है, इसका स्राव होता है और उसी से जो है सो ये क्रिस्टलाइन स्टाइल का निर्माण होता है। इसके स्टोमक के ऊपर बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं और उस सिलिया के मूवमेंट के कारण ये क्रिस्टलाइन स्टाइल भी मूव करते रहता है। इसके मूव करने से, क्रिस्टलाइन स्टाइल के मूव करने से इसका ऊपरी सिरा जो है वह स्टोमक के वाल से टकराते रहता है। स्टोमक के वाल से जहां पर क्रिस्टलाइन स्टाइल का ऊपरी सिरा स्टोमक के वाल से टकराता है वह भाग थोड़ा सा ठीक होता है, मोटा होता है और इस क्रिस्टलाइन स्टाइल का ऊपरी सिरा टकराने के कारण क्रिस्टलाइन स्टाइल का ऊपरी सिरा जो है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है और ये छोटे छोटे टुकड़े टूटकर यह भोजन के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसमें जो है एंजाइम पर पाया जाता है, वह एंजाइम भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसमें जो एंजाइम होता है वह होता है एमाइलेज और ग्लाइकोजिनेज। ये दोनों एंजाइम जो है भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद क्रिस्टलाइन स्टाइल का ऊपरी सिरा जो होता है वह टकराने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, लेकिन यह क्रिस्टलाइन स्टाइल नीचे से जो है म्यूकोप्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण भी होते रहता है, यह बनता भी रहता है। नीचे से यह बन रहा है, ऊपर से जो है सो टकराने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। तो नीचे से निर्माण होने के कारण इसकी लंबाई जो है कभी भी कम नहीं हो पाती है। इसका इंटेस्टाइन,
तो इसका जो स्टाइल होता है वह कुंडलित होता है, नलिकाकार संरचना होती है। ये देखिए ये पूरी तरह से क्या है, क्वाड है, है ना, ये क्वाड होते हुए क्वाड है और यह ऐसे घूमता हुआ इसके डोर्सल पार्ट से होता हुआ आप पीछे जाकर रेक्टम से जुड़ जाता है। यहां पर जो है सो इसका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी गोनेट्स पाया जाता है, अर्थात इसका जो इंटेस्टाइन होता है वह चारों तरफ जो है सो गोनेट से घिरा हुआ रहता है। ऐसा माना जाता है कि इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो इसका काम क्या होता है कि जो स्टोमक से अनडाइजेस्टेड फूड आता है उस अनडाइजेस्टेड फूड को छोटे छोटे गोलियों के रूप में परिवर्तित करके बाहर आता है रेक्टम। तो इसका जो रेक्टम होता है वह एलिमेंट्री कनाल का सबसे पिछला भाग होता है, यह खुला हुआ भाग होता है, इसको हिंदी में हम लोग मलाशय कहते हैं। यह पीछे आकर जो है यह एक्सकरेंट साइफोन का काम क्या है कि इन करंट साइफोन के द्वारा जो शरीर के अंदर पानी घुसता है वह एक्सकरेंट साइफोन के रास्ते बाहर निकलता है। तो यह जो है रेक्टम जो है एक्सकरेंट साइफोन के पास आकर जो है सो खुलता है। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी इसका एक्सक्रेटा होता है यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह यहां पर जो है सो छोटे छोटे गोलियों के रूप में बाहर निकलता है और एक्सकरेंट साइफोन के द्वारा जो जल की धारा पानी को बाहर निकलता है उसके साथ यह बहकर शरीर से बाहर हो जाता है। इसके बाद है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वह इसके स्टोमक के चारों तरफ जो है सो लिपटा हुआ रहता है, यानी कि इसका स्टोमक जो है डाइजेस्टिव एंजाइम से घिरा हुआ रहता है। तो इसका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वह बाइलोब्ड होता है, यह गहरे भूरे रंग का होता है, इसको जो है सो लीवर भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या है कि यह डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करता है, यह डाइजेस्टिव एंजाइम जो है भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इस डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो है सो दो ठो यहां पर पोर खुलता है, यहां पर जो है सो दो ठो छिद्र खुलता है, ये इस छिद्र में जो है सो फोल्ड भी पाए जाते हैं। तो यह फोल्ड जो है सो क्या करता है कि भोजन को सॉर्टिंग करने का काम करता है, अर्थात कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको वह लीवर के अंदर भेज देता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको जो है सो वह इंटेस्टाइन में भेज देता है।